नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, नॉर्सेट की तरफ से एक और न्यू बिग अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं कि बड़ा अपडेट क्या रहने वाला है नॉर्सेट के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाल ही में नॉर्सेट का एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट भी आ गया था। अब दोस्तों, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग का एक न्यू अपडेट निकल के आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करा था, एमसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए डेट अनाउंस किया था, देन उसके बाद आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। देन आपको सेकंड अपडेट और थर्ड अपडेट ये था कि उसको आपको 26 तारीख को उन्होंने रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया था। अब दोस्तों, न्यू अपडेट निकल के आ रहा है, हम बताते हैं आपको न्यू अपडेट क्या रहने वाला है। ऑफिशियली लेटर में सारा ही जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या अपडेट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये नोटिफिकेशन एम्स को सेंड किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे लिखा थर्ड फ्लोर ऑफ द आईसीआर बिल्डिंग रेड क्रॉस। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कब का डेट है, तो 29 सितंबर का ही डेट है। कहने वाली बात है कि आज का ही डेट यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है, लिखा हुआ है। दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे होंगे कि द डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एम्स न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से रहने वाला है कि उनको चॉइस फिलिंग करवाना है, उसके रिगार्डिंग का ये नोटिफिकेशन यहाँ पे एम्स ने रिलीज किया है। जैसा कि आपको दिखा रहा होगा, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2022 इज कंडक्टेड बाय द एम्स, देन उसका सीबीटी हुआ था, देन एग्जाम हो गया था। अब क्या फर्दर नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, स्टेप लिखा हुआ, कट ऑफ लिखा हुआ। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है कि एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन बाय द कैंडिडेट। तो कहने वाली बात है कि दोस्तों, इसमें मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि आपको यहाँ पे अब चॉइस फिलिंग करना होगा, और उसका लिंक यहाँ पे कब तक एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, तो 7 अक्टूबर को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा चॉइस फिलिंग का, वो आपको हमारे चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। क्या कौन कौन से एम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो जो भी एम्स ओल्ड एम्स है उसमें आपको चॉइस फिलिंग करना है अकॉर्डिंग टू आपका रैंक, अकॉर्डिंग टू नियर आपके जो भी स्टेट वाइज है उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। देन बात करते हैं अदर का। तो दोस्तों, अदर का ऑप्शन क्या कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट कैंडिडेट टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट बाय द एम्स दिल्ली, मतलब आफ्टर चॉइस फिलिंग के बाद आपको दोस्तों 17 अक्टूबर को आपको एक लोकेशन लेटर मिल जाएगा कि किस किस का चॉइस फिलिंग हुआ है, कहाँ कहाँ चॉइस फिलिंग हुआ है, वो आपको एक लिस्ट या पीडीएफ फॉर्म में एम्स के द्वारा मिल जाएगा। विदिन 1 वीक के बाद आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। देन बात करते हैं कि थर्ड वन क्या कहता है। थर्ड वन में दोस्तों, आपको इशूइंग ऑफ द ऑफर लेटर, मतलब कहने वाली बात है कि आपको 14 तारीख के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर या एक ऑफर लेटर आपको मेल के थ्रू या आपको वाइफ पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा कि किन किन का बच्चों का एम्स अलोकेट हुआ है, किन किन का एम्स अलोकेट नहीं हुआ है, कैसे उनको अलोकेट हुआ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन करवाना है, वो सारी ही जानकारी उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था रिगार्डिंग कि आपको एम्स के रिगार्डिंग का डेट है, आपको चॉइस फिलिंग की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों वो अप टू डेट होना चाहिए, जितने भी नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं बीएससीज डिग्री रजिस्ट्रेशन एनआरटीएस एनआईडी और आईसीएन सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों वो सारे ही आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप एमसीके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई को क्लियर कर पाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका अप टू डेट नहीं होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स सारे ही अप टू डेट रखिएगा। और यदि ये आज का हमारा अपडेट आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली एम्स रिलेटेड अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वेलकम बैक।